हालेलुया। खुदा की अजीम और जलाली बाबर का नाम है आप सबको सलाम सलाम। और खुदा की प्रस्तुति में मैं गीत गाऊंगी जबूर है नौ दानी हवा यारा फाइन है तक तेरा ना है बेचारा।
करते हैं नियत से और दिल से खुदावंद के हजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं मेरे अजीजों, खुदावंद उनकी दुआ पर कान लगाता है और उनकी दुआ को कभी भूलता नहीं। बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा है कि वो अपने तलबगार की दुआ को सुनता है और इसलिए बाइबल मुकद्दस में कुछ अल्फाजों को इस्तेमाल किया गया जिनमें तलबगार और उस पर तवक्कुल रखने वाले, ईमान रखने वाले लोगों के बारे में बात है, क्योंकि हर शख्स उसका तलबगार और हर शख्स उस पर तवक्कुल नहीं रखता। सबरे अजीजों, खुद को खुदावंद के हजूर झुकाएं ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी को बदले। हम कलाम मुकद्दस के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और खुद को खुदावंद के हजूर रखेंगे ताकि खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े और जलाली काम करें। और कलाम मुकद्दस के लिए हम भाई वाकत के साथ मिलकर दुआ करेंगे कि खुदावंद आज हमारे कलाम के वसीला हमारे दिल के दरीचों को खोले, हमारे दिलों दिमागों को खोले कि हम अपनी जिंदगी को बदलें और खुदावंद का कलाम असर करे। हालेलुया। अब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के हजूर को महसूस करेंगे। कदोस 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 जिंदा जलाली असमान जो जिक्र खालिक मालिक तू जो है, तू जो था, तू आने वाला है, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी दी हुई सारी नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए और हर तरह की आशाइश के लिए तेरा शुक्र करते हैं और इस खूबसूरत वक्त के लिए और इस इन हसीन लम्हात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे को अंदर तूने ये मौका बख्शा कि हम तेरी हुजूर में हाजिर हैं और तेरे नाम का शुक्र अदा करते हैं। तेरे नाम का शुक्र अदा करना कितना बड़ा है, तेरा शुक्र हो। तू जो कदोश है, तू जो रहीम है, तू जो रहम करने वाला है, तू जो कहर करने में दीमा और शफकत में गदी है, तेरे फैसले दुरुस्त हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है तो तमाम जानवरों की ख्वाहिश को पूरा करता है, तो उनकी दुआओं को सुनता और कबूल करता है जो तेरे शफकत की उम्मीदवार है। ऐ प्यारे खुदावंद, ये जो आज का कलाम हम पढ़ने को है, मैं दुआ करता हूँ ये हमारी जिंदगियों में सौ गुना फल लाए, हम इस पर अमल करने वाले हों, हम इसे सीखने को सिखाने वाले हों। कि प्यारे खुदावंद खुदा, मैं दुआ करता हूँ पास्टर स्वागत के लिए कि प्यारे खुदावंद खुदा उनको बरकत बख्श, कि प्यारे खुदावंद को खुदावंद के फजल व करम से इन्होंने जो बीज बोया है ये सौ ना फल रहे प्यारे खुदावंद खुदा, तो इनको बरकत बख्श प्यारे खुदावंद, इनको आग से छोड़ा के मन बना प्यारे खुदावंद, इस छोटे से गिरजा घर में दुआ करता हूँ इसको बड़ा कर प्यारे खुदावंद, ये बड़ा चर्च बने ताकि तेरी जयकार हो, तेरी हम दुष्टाइश हो प्यारे खुदावंद, प्यारे खुदावंद खुदा जो हमारे चर्च बनने पर गाते हैं तो प्यारे खुदावंद उसको खत्म कर प्यारे खुदावंद, तमाम ऋषि कूटों तमाम जो प्यारे खुदावंद शैतान के मुझे हैं तो उसको खत्म कर प्यारे खुदावंद, अपने पाप फरिश्तों को पारा लगा दे प्यारे खुदावंद, अपने जंग जो फरिश्तों को भेज प्यारे खुदावंद ताकि इब्लीस का मुंह तोड़ जवाब दे सके प्यारे खुदावंद, प्यारे गिरजाघर में बनने में कोई रुकावट है प्यारे खुदावंद, तो तेरे यीशु नाम से प्यारे खुदावंद उनको शैतान को दूर भगा दे प्यारे खुदावंद, तो प्यारे खुदावंद शैतान को जुड़ता है पुत्रों को जुड़ता है पुत्रों में बाढ़ जाती है प्यारे खुदावंद, प्यारे खुदावंद खुदा तू तूफान को जुड़ता है तो तूफान रुक जाता है प्यारे खुदावंद, प्यारे खुदावंद खुदा के काम में कोई रुकावट है तो प्यारे खुदावंद वो तेरे यीशु नाम से दूर हो जाए, इस घर में इस गिरजाघर में तेरा फजल हो प्यारे खुदावंद, इसको बढ़ा इसको प्यारे खुदावंद, आगे बढ़ा इस घर में तेरा गिरजाघर में तेरा जलाल हो प्यारे खुदावंद, जितनी कलीसिया है प्यारे खुदावंद सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदावंद के फजल और करम से इस गिरजाघर के लिए दुआ करें प्यारे खुदावंद, अपने दिलों को खोले प्यारे खुदावंद, प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र तारीफ तेरी हम तेजाश हो प्यारे खुदावंद, तेरा पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और आग के लिए रोशनी है प्यारे खुदावंद, तेरा पाक कलाम दो दरी तलवार है
जो बंद बंद गोदे गोदे से हम जब निकल जाता है तेरे को ना भरा तेरे को तेरा कलाम जिंदगी पक्ष कलाम है तेरे पास पास कलाम को पढ़कर हम हमेशा जिंदगी हासिल कर सके तेरे को ना भरा तेरे को तेरा शुक्र तकरीफ हो मेरे दोस्तों का कबूल कर तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा ये सुख सी के वसीला से मांग लेता हूँ आमीन आमीन। मेरे अजीजों आज का जिंदा पाक कलाम सिर्फ एक के लिए नहीं है ना ही बड़ों के लिए ये बच्चों के लिए भी है क्योंकि उनके लिए हमारी जिंदगी में जितने होने वाले काम होते हैं ये हमारे बच्चों के सामने ही हम कर रहे हैं। अगर बाप अपने किसी रिश्तेदार की बुराई करता है तो बच्चों के सामने मां करती है तो वो भी बच्चों के सामने हम ये नहीं सोचते कि इन फ्यूचर कब क्या बदल जाए। अगर हमने कोई बुराई का काम करना है तो बच्चों के सामने अच्छाई का करना है तो वो भी बच्चों के सामने ही कर देना है। लेकिन कलामे मुकद्दस सबके लिए बराबर है जिस तरह हमारी जिंदगियों पर कहा जाए कि नेको पद पर बारिश बराबर होगी ना इसी तरह कलामे मुकद्दस भी बच्चों और बड़ों के लिए बराबर रहता है। कई बार छोटा बच्चा कलाम की बात को समझकर अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देता है और कई बार बड़ा शख्स भी सारी जिंदगी लंघ जाती है जो पूछो तो कहते हैं वो मैं आप ही पाल रही हूं बड़ा पता है मेनू कलाम का क्योंकि वो कलाम को जानता नहीं और जो उसके मुंह में आता है वो बोल देता है। उसकी कोशिश होती है कि मैं लोगों में जाहिर करूं कि मैं खुद समझदार और पंजाबी च कहूंगा कि सियाणा हूं लेकिन मेरे अजीजो बाइबल मुकद्दस इंसान की किताब उसका 14 भाव और उसकी 3 आयत अगर किसी को बाइबल चाहिए तो बाइबल पढ़ी हुई है जॉन बाइबल को इंसान की किताब उसका 14 भाव और उसकी 3 आयत इंसान की किताब उसका 14 बाब और उसकी 3 आयत में यूं मरकूम है अहमद में से गरूर फूट के निकलता है पर दानिशमंद के लब उनकी निगहबानी करती है। मेरे अजीजों निगहबानी करना या उसकी हिफाजत किसी चीज की करना इंसान 14 बाब उसकी 3 आयत होता क्या है हम लोग जो कभी कभी गुरूर कर लेते हैं किसी को बोला जाए ना कि भाई आप तौबा कर लो या किसी बहन को बोला जाए कि आप बपतिस्मा ले लो और तौबा कर लो तो वो आगे से कहता है मैं कीता की मैं कहता बपतिस्मा लवा मैं किस काम की तौबा करा मैं तुम ही दस दो। सबसे पहले वो इस बात की तौबा करे कि वो खुद में गुरूर रखता है कि वो परफेक्ट है वो मुकम्मल है उसने कभी गुनाह नहीं किया पहले तो वो इस बात की तौबा करे तो मेरे अजीज को बाइबल मुकद्दस इंसान में लिखा है वो 6 चीजें हैं बल्कि 7 हैं जिससे वो कराहियत करता है उनमें से एक है ऊंची आंख मतलब गुरूर हमें गुरूर नहीं करना हमें शरारत नहीं करनी कोई ऐसी जो कि खुदा को नापसंद है। मेरे अजीजों कई बार हम अपने अंदर का गुरूर गुस्से में बाहर निकाल देते हैं और क्या होता है कि मेरे अजीजों वो जो हमारे मुंह से गुस्से से बात नहीं यहां लिखा अहमद में से गुरूर फूट के निकलता है। यहां एक और आयत है अगर आप बाइबल खोली है तो इंसान 14 और उसकी जी और उसकी 14 आयत इंसान 13 और उसकी 14 आयत मेरे दानिशमंद की तालीम हयात का चश्मा है 14 आयत क्योंकि जब इंसान अकलमंदी से बात करता है और अपनी जुबान की निगहबानी कर अल्फाज मुंह से निकालता है तो मेरे अजीजों को दानिशमंद कहलाता है लेकिन जब
कभी हम किसी चीज की गरूर में बात करते हैं तो खुदावंत की नजर से भी गिरते हैं और इंसान की नजर से भी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अहमक अपने ही मुंह की सजा पाता है, अहमक अपने ही गुनाह की वजह से मौत की दलदल में जाता है, अहमक अपनी ही जुबान की वजह से बारों कुट खाता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से सयाना बनता है और सयाने के चक्कर में वो हमेशा अपना नुकसान करवाता है। लोग खुद को समझदार नहीं बल्कि सयाना समझते हैं, समझदार से भी दोहरा था। अगर किसी को आज कलाम के बारे में थोड़ा सा इल्म हो जाए तो वो दूसरे को कम अकल जानना शुरू करता है। अगर मैं कहूं कि मैं खादिम हूं, मैं पास्टर हूं, तो दूसरा कोई इंसान ही नहीं तो समझ ले कि मैं भी उन अहमकों की लिस्ट में हूं, मैं कोई साधक नहीं कहलाऊंगा। कलाम सीख लेना और उस पर अमल करना बड़ा फर्क है इन दोनों चीजों में। हम लोग चाहते हैं हमें ब्लेसिंग मिले लेकिन साड़ी मर्जी ना। तो मेरे अजीजों, खुदावंद की मर्जी जिसमें जाहिर होगी, खुदावंद अपनी मर्जी जिसके अंदर साबित करेगा, वो उसकी सेहतमंदी में जाहिर करेगा, वो उसके घर की बरकत में जाहिर करेगा, वो उसके घर की खुशियों में जाहिर करेगा। कई बार हमारी प्लानिंग्स कुछ और होती हैं और खुदावंद की प्लानिंग्स कुछ और होती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मैं तुम्हें तामुल से देता हूं और अहमक शख्स को नहीं मिलता तो वो कहता है खुदावंद तू मुझे दिता की है, मैं ते जिन्होंने पैदा होया या होई या मैं ते गुरबती देख रही हूं, वो सब भूल जाता है। वो खुदावंद की तमाम बरकत को भूलकर अपने मुंह से उल्टी सीधी बातें निकालना शुरू कर देता है, खुदावंद की बुराई शुरू कर देता है। कहता खुदावंद मेरे तो की दिता है, तू कौन है, फिर तो चंगा तो मैं गुनाह करके पैसा कमा लो चंगा मेरे घर के हालात बदलेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद आपको कतन नहीं कहता कि तंगी में तुम लोग गुनाह करो, क्योंकि खुदावंद हर चीज का हिसाब रखता है, वो अपने अल्फाजों का और अपनी बातों का हिसाब रखता है। क्योंकि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हाँ कोई गल नहीं, अच घर के हालात खराब ने, खुदा भी जानता है मेरे हालात खराब ने, अगर मैं थोड़ी जी हेराफेरी कर ली तो की होगी। क्योंकि वो शख्स अहमक है जो इस बात पर जिद और बाजिद होता है कि हाँ खुदा को पता है कि मेरे हालात के जिदे ने अगर मैं चोरी कर लीए तो खुदा मेरे हालात बदल दे। कैसी शर्त रखते हैं, अहमक है ना, अकलो बनाई ना होने की वजह से वो कहता है कि खुदा मेरे हालात बदल दे, फिर मैं की करा, मैं तो चोरी करनी है ना, फिर मैं की करा, मैं तो अपने भैन भरावों को दगा देना है, फिर मैं की करना, मैं तो दूसरों के ना चलाकी खेल ली है। लेकिन मेरे अजीजो, आप हमेशा ये बात याद रखें कि खुदा मंद इन बातों को नहीं सुनेगा। आपकी गलती को खुदावंद बर्दाश्त नहीं करेगा। जो आप सोचते हैं कि आप गलती करते हो और खुदावंद आपको मुआफ कर देगा कि हाँ मेरे हालात खराब सर, अगर हालात खराब होने की वजह से आप गलती करते हो, मेरे जीवन में अक्सर कहता हूं बाइबल मुकद्दस हर चीज को बयां करती है। अगर हालात खराब होने की वजह से आप चोरी और दगा करें तो अय्यूब क्या करता, अय्यूब तो फिर लोगों को मारकर काटकर खा जाता। लेकिन हम आज दुनिया में रहते हुए छत पे अगर 5 मिनट के लिए पंखा बंद हो जाए तो हम कहने शुरू हो जाएंगे खुदावंद ही तो तेरा ना लै रहे सब तो बत्ती चलेगी। जबकि जब पंखा नहीं था तो क्या तब खुदा की तारीफ या उसकी हमद नहीं होती थी। लेकिन आज हम सहूलतों में इतना फट गए हैं कि हम उस सहूलत को भी खुदा से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। खुदावंद अगर इंजन होता तो की होता, इंजन होता तो की होता। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद तहम्मुल से देता है और अहमक शख्स उस चीज को नहीं समझ पाता और वो खुदा की बुराई करना शुरू करता है। ये अभी मैं अहमक की ही बात कर रहा हूं, मैं अभी दानिशमंद पर और समझदार पर नहीं आया। जब हम बेवकूफियां करते हैं तो सोचते हैं ऐसे बड़े समझदार आ,
लेकिन मेरे अजीज हो ये बात याद रखें कि अगर मैं यहां बैठी किसी बहन या भाई की फाकत है, मेरे बड़े अच्छे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मैंने बोलूं कि भाई मुझे 20,000 रुपया चाहिए, भाई फाकत मुझे कहता है यार मेरे को नहीं है, नीचे कमरा है, मैं ऊपर आता हूं, ऊपर आके कहता हूं यार ड्रामा की किताब उनके को है सर, उन्हें नहीं दिखे। इतनी देर में भाई फाकत और उनके मिसिज आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं कि चलो हम पास्टर साहब की मदद कर देते हैं। मैं अपने कमरे में बैठकर अगर इन दोनों मियां बीवी की बुराई कर रहा हूंगा तो ये सीढ़ियों से सुनते ही मेरी मदद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुन लिया कि मैंने उनकी बुराई की है। तो मेरे अजीजों इसी तरह जब अहमद शख्स खुदा के बारे में बुरी बातें बोलेगा तो खुदा के फरिश्ते जो आपको और हमें बरकत देने को आते हैं वो सुनकर वापस चले जाते हैं और कहते हैं कि खुदावन हम किसके पास तूने भेजा जो ना शुक्रा और बेईमाना है, जिसमें तेरी तलब नहीं, तेरी ब्लेसिंग को रिसीव करने की कुवत नहीं, तूने उसके पास भेजा। हम तो तेरे कहने पर जाते हैं लेकिन बाप हमने जब वहां सुना कि वो तेरे कलाम और तेरी बरकत का शुक्र अदा नहीं करता तो हम एक दफा फिर से तेरे पास आए, क्या इसे बरकत देनी है? मेरे अजीजो बरकत सिर्फ रुपए पैसे का नाम नहीं है। आपकी सेहतमंद औलाद और आपके पास अच्छी बीवी बरकत है, अच्छा खामद आपके लिए बरकत है। इनका नहीं शुक्र अदा करते तो हम रुपए पैसे का करने लगते हैं तो खुदावंद के फरिश्ते जो है वो कहते हैं खुदावंद ये तेरा तलबगार नहीं, ये उन चीजों का तलबगार नहीं जो तुझे तूने इनको दी है, बल्कि ये तुझे ही नहीं जानते कि तू इनको कैसी बरकत से माला माल कर चुका, लेकिन ये रुपए पैसे के लिए भागते हैं। मेरे जीरो आज से 3-2 साल में पीछे जाऊं तो जीरो कंडीशन थी, जीरो में आज भी अपने आप को जानता हूं, मैं लखपति हो जा, मैं करोड़पति हो जा, लेकिन मैं जीरो रहूंगा क्योंकि मेरे खुदावंद ने सानू खाब सारी सिखाई। हम बादशाह जरूर हैं लेकिन हमेशा बात को याद रखें, बादशाह खाकसार होता है वो अपनी कलीसिया और अपनी रियाया के लिए रहता है, उसकी अपनी बादशाह किसी काम की नहीं अगर उसकी रियाया उससे नफरत करे। अगर खुदा की खादम से उसकी रियाया और उसकी कलीसिया नफरत करे तो उसका मतलब कि उसकी परस्तिश और उसकी हमद में कमी है, लेकिन अगर उसकी जो कलीसिया है वो उससे नफरत करे और खुदावंद उसको फिर भी ब्लेस करे तो फिर कलीसिया के लिए बात है कि खुदावंद उसको ब्लेसिंग बख्शे, कलीसिया में कमी है। अब ये बात आ गई कि दानिशमंद जो बेवकूफ या अहमक है वो चंद चीजें ना होने की वजह से खुदावंद की बुराई करता है और बरकत नहीं पाता, लेकिन मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस में लिखा है इंसान 14 बाब उसकी 13 आयत की आगे के फिरको में लिखा है पर दानिशमंद के लब उनकी निगरबानी करते हैं। मेरे अजीजों अय्यूब को जब बोला उसकी बीवी ने कि आप भी खुदा के बारे में कुछ कह दे, उन्हें तेरा पक्ष नहीं छेड़ा तो उसने कहा कि तू नहीं जानती कि उसकी बरकत कैसी है, आप और मैं नहीं जानते कि उसकी बरकत कैसी है। कई बार हमारी शरारत हमें नुकसान देती है। मुझे किसी की बात याद आ रही है, एक बच्चा था, कभी हम छोटे थे जब साहिब जितना होगा या मैं शायद तो छोटे बेटे जितना होगा, आज तक मुझे वो बात याद है, बाप ने बेटे को कहा कि बिल्ली के बच्चे को बाहर छोड़ के आओ, तो वो हलवाई थी, उसका बेटा छत पर गया, नीचे एक ऑयल का कड़ाहा जिसे कहते हैं वो गर्म था, उसने बिल्ली के बच्चे को ऊपर से नीचे फेंक दिया और उसके बाप ने अपने बेटे को डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा। लेकिन ये वाक्या टाउनशिप
ए सेक्टर और 7 नंबर गली का, क्योंकि तब हम वहां रहते थे। उसके बाप ने ना अपने उसमें से बिल्ली निकाली और उसने अपने बेटे को कुछ कहने की बजाय उसने कहा तू तेल सारा गंदा करता। उसकी इतनी बड़ी गलती, एक जान लेने वाली गलती को उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने ऑयल की फिक्र की। अक्सर हम लोग मजाक में कहते हैं ना यार उन्होंने गड्डी बाजी कर, गड्डी ठीक है वो एक मजाक है, लेकिन हकीकतन खुदावंद को हर जानदार से मोहब्बत है। ये बात याद रखिए, उसने सिर्फ हमें प्यार से नहीं बनाया, उसने जब पूरी दुनिया तकलीफ की तो वो मेहनत से तकलीफ की थी। अगर मैं अभी यहां बैठे किसी बहन को बोलूं वो नया सूट अपना खरीद के लाए, उसको अच्छे से सीए और अभी पहने भी ना और उसे कोई कहे फाड़ दे, जिन्हें सिया सीता भी आप हो, खरीदिया भी आप हो, वो फाड़ेगी, उन्हें कहना ले 1500 का सूट सीन की सवाई, अगर मैं किसी ने दी 500 भी ज्यादा 2000 का सूट मैं फाड़ के सकता। हम एक बेजान सूट की कदर करते हैं, तो खुदावंद ने पूरी दुनिया को तकलीफ किया मेहनत से, मेहनत की थी उसने। मेरे अजीजों जो मेहनत करता है वो आराम करता है, वेला बंदा आराम नहीं करता, वेला सिर्फ सोता है। तो खुदावंद बाइबल मुकद्दस में लिखा है और उसने 7वें दिन आराम किया, मेहनत की थी उसने। तो मेरे अजीजों होता क्या है जब हमें अहमक शख्स अपने गुनाह की सजा पाता है और जो दानिशमंद है वो अपनी जुबान की बरकत पाता है, जब वो अपनी जुबान की निगेबानी करता है, कैसे होता क्या है? मैं बड़ा जल्दी हाइपर हो जाता हूं, सबको पता है, मेरी बहना भी पता है, मेरे प्रबंधन भी पता है, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूं गुस्सा आवे तो मैं पहले अपनी मिसिज देखना, तो मेरी मिसिज जी हल्का इशारा कर दी, मैं साथ ही बात को बदल ही देता हूं, टॉपिक ही बदल देता हूं। क्यों? क्योंकि कहीं मेरे मुंह से गलत बात ना निकल जाए। अब क्या होता है, अब मेरे गुस्से को कंट्रोल करने की वजह से ब्लेसिंग बढ़ गई। जो शख्स पहले मेरे खिलाफ था अब वो मुझसे बात करता है, मेरे पास बैठता है, और अगर उसी वक्त मैं लड़ पड़ू तो क्या वो मेरे साथ बात करेगा, बैठेगा? बल्कि वो 10 लोगों में जाके कहेगा वड्डा पादरी बोलो दी तो तमीज नहीं, वड्डा पादरी वो तो पता नहीं क्या चल रहा है, धोखे बाज है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बात है। लेकिन मेरे अजीज हो कई बार हमें भी कुछ बातें कलीसिया की हर्ट करती है, फील होता है, पता लगता है, तकलीफ देती है, लेकिन ऐसी गल हादसे छुपा देते हैं। बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है कि अगर अपने से बड़ा आप पर हाथ उठाए तो बात को हंसी में डाल लो, तुम्हारी भी इज्जत रह जाएगी और उसकी भी। हर इंसान जानता है वो किसको क्या टीस कर रहा है, क्या नहीं जानता? अगर मैं कोई बात करूंगा तो क्या, अगर मैं भाई फाकत के काम है सैनिटरी का काम करते हैं, मैं ऐवी हल्काया मजाक कर रहा हूं, साढ़े घर जिसे पाइपा की वायरिंग भी चज नहीं हुई, तो जो बंदा सैनिटरी का काम कर रहा है जिसका अपना घर है और उसी के घर में रहकर मैं एक सैनिटरी के पाइपिंग की गलती निकालूंगा, तो इसका मतलब है भाई फाकत ये जान गया कि मैंने उनकी गलती निकाली, घर की नहीं उनके काम की। हर इंसान जानता है। इसी तरह जो इंसान खुदा के कदम पर टीस कर रहा होता है वो भी जानता है कि जड़ी मैं गल की है मैं खुदा के कदम को लाई है, तो खुदा का कदम भी जानता है कि मैनू पिचकर की है, मैनू मजाक किया है, लेकिन वो दानिशमंदी करता है कि वो अपनी जुबान को बंद कर लेता है, वो चुप कर जाता है और उसकी निगेबानी उसी की बरकत का बायस बनती है। और जो शख्स किसी अपने भरे को मजाक या टिचकर करता है तो मेरे अजीजो याद रखें कि वो अपनी नजर में सिर्फ अपनी नजर में दानिशमंद है, लेकिन खुदा की नजर में वो गुनहगार है, और खुदावंद हर गुनहगार को उसकी सजा देता है, चाहे देर से दे चाहे पल में। हर इंसान अपनी ब्लेसिंग भी खुद रिसीव करता है और अपनी सजा, और दानिशमंद हमेशा जब अपनी जुबान की निगेबानी करता है तो मेरे अजीजों वो हमेशा बरकत पाता है। क्योंकि यहां पर एक बड़ी खूबसूरत और एक आयत है जो मौत से, जब दानिशमंद अपनी जुबान को कंट्रोल करता है ना तो मौत तो ही बच जाता है,
अहमद शख्स एक पिछले दिनों बड़ा व्हाट्सएप पे एक वीडियो चली थी जिसमें दो भाई आपस में लड़े और एक भाई ने दूसरे भाई से कहा मार मिलो। अब उसका भाई उसको बड़ा भाई कह रहा नहीं पीछे चला जा मेरा हाथ उठ जाना तेरे पे। अब छोटा भाई बड़े भाई से बदतमीजी कर रहा है और बड़े भाई के हाथ में कुल्हाड़ी है कह रहा मार मिलो। मारता क्यों? क्योंकि वो अहमद था। लेकिन उसके ज्यादा गुस्सा दिलवाने से बड़ा भाई भी अहमद हुआ, उसने छोटे को मारा और बड़ा अंदर चला गया। लेकिन दानिशमंद शख्स अगर वो समझदारी करता उस वक्त अपने छोटे भाई की बात पर थोड़ा सा कंट्रोल करता और गुस्से को कंट्रोल करता तो छोटा भाई भी जिंदा रहता और वो भी अपने घर में होता। ये होता है दानिशमंद और अहमद का फर्क। इसीलिए कभी भी अपने किसी बड़े को मजाक करते वक्त ये ना सोचे कि उसको समझ नहीं लगती, ना ही कभी ये सोचे कि हम जो बेवकूफी करते हैं किसी को समझ नहीं आएगी। बैठा नारा सब कुछ जानता है लेकिन असी अपने वालों समझदार बन गए। बल्कि बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है कि बेवकूफ चुप रहकर दानिशमंद जाहिर होता है। जब बेवकूफ शख्स चुप रहता है तो दानिशमंद जाहिर होता है लेकिन बेवकूफ बोल के अपना बेड़ा गर्क कर लेता है, बल्कि वो अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोदता है। सो अपने आप को दानिशमंद बनाए कि जब आपको जरूरत पड़े तो भी आप खुदावंद का शुक्र अदा करें। बाइबल में खरूज में लिखा है 25 बाब उसकी 25 आयत में खुदावंद की इबादत करो तो वो तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत देगा और वो तुम्हारे बीच में से बीमारी को निकाल देगा। समझे अजीजो, आप सबका फर्ज है कि इबादत करना शुरू करें। इबादत का मतलब यह नहीं कि मांगना कि मुझे गड्डी दे दे कार दे दे। इबादत का मतलब है शुक्रगुजारी करना। आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि खुदावंद शुक्र है तेरा कि तूने हमें बरकत दी, औलाद जैसी तूने हमें बरकत दी, सेहतमंदी जैसी आपके हाथ पांव टांगे और सर के बाल दिए। मेरे मुंह में थोड़े से बाल नहीं है, सारे सब ठीक ठाक मैंने तुझे अच्छा चेहरा दिया, मेरी चाल ढाल सही रखी, मैं अपने माँ बाप के लिए इज्जत का बायस बनी और बने आ, इसका शुक्र अदा कर। रुपये पैसे का शुक्र अदा करने का फायदा नहीं है क्योंकि वो खुदावंद ने ताड़ी जरूर कलाम में लिखा है कि तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तुम मुंह खोलो तो मैं भर दूंगा। लेकिन मेरे अजीजो शुक्रगुजारी करना शुरू कर। दानिशमंद शख्स शुक्रगुजारी करता है और वो बरकत पाता है। हालेलुया, पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो।